आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए कल 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना के पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही नतीजों को लेकर कल दिन के 11 बजे तक काफी हद तक तस्वीर साफ होने की संभावना है। सभी जिलों के लिए मतगणना संबंधित जिला मुख्यालयों पर होगी। मतगणना के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने संवाददाताओं को बताया कि 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों की गणना होगी। 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों के मत गिने जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। भोपाल की सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना के संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने कल मतगणना स्थल पुरानी जेल में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संजीव शर्मा। मध्य प्रदेश में सभी 51 मतगणना केंद्रों पर प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। वोटों की गिनती 306 मतगणना कक्षों में लगाई गई लगभग 4000 टेबलों पर की जाएगी। वोटों की गिनती के लिए 14000 से ज्यादा कर्मचारियों की सेवाएं ली गई हैं। मतगणना के दौरान प्रत्येक राउंड की समाप्ति पर ईवीएम मशीनों से की गई मतगणना के परिणामों की संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर घोषणा की जाएगी। इसे मतगणना कक्ष में स्थापित डिस्प्ले बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। राउंड वार मतगणना परिणाम की पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उद्घोषणा भी की जाएगी। चुनाव आयोग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार अगले राउंड की गिनती तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक पहले राउंड की मतगणना की गिनती समाप्त होकर उसके परिणाम डिस्प्ले पर प्रदर्शित न हो जाएं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मतगणना के लिए समूचे प्रदेश में मतगणना स्थलों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अनाधिकृत लोगों का मतगणना स्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा। मतगणना स्थलों की ओर का यातायात भी परिवर्तित किया जाएगा। प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान के साथ ही सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया था। प्रदेश में कुल 5,04,95,251 मतदाता है। इस बार 2,899 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। राज्य में कुल 75.05% मतदान हुआ था। वहीं इस बार चुनाव में बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, चुरहट से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, भोजपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और मंत्री सुरेंद्र पटवा, खुरई से मंत्री भूपेंद्र सिंह, रैली से गोपाल भार्गव, दमोह से जयंत मलैया, भोपाल दक्षिण पश्चिम से उमाशंकर गुप्ता, सिलवानी से रामपाल सिंह समेत भाजपा से कांग्रेस में गए सरताज सिंह की होशंगाबाद सीट से प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यशाला के मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। कार्यशाला का विषय साइबर सिक्योरिटी और मानव अधिकार है। वह इंदौर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन कर मानव अधिकारों की रक्षा करने वाले 21 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। धार में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में साइबर सिक्योरिटी और मानव अधिकार विषय पर वक्तव्य हो रहे हैं। खंडवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस मौके पर आम लोगों को मानव अधिकारों के लिए जागरूक किया जा रहा है। बुरहानपुर के शासकीय महाविद्यालय में मानव अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडोरी जिले के समनापुर थाना क्षेत्र में आज सुबह खेत में पानी देने के विवाद में दो पक्षों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिवनी में आज सुबह 6 बजे से गरज के साथ तेज बारिश हुई। इस दौरान सिवनी शहर में हल्की ओलावृष्टि भी हुई। कोहरा होने से दलहन फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।